हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बुक लेके आया हूँ। इस बुक का रिव्यू करेंगे आज। दोस्तों, अगर कोई भी यूपीएससी की तैयारी करता हो या किसी को भी या कोई भी बीपीएससी या कोई लेवल एग्जाम का तैयारी करता हो, और अगर आपके उस सिलेबस में इंडियन पॉलिटी अगर जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों आपके लिए ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये बुक दोस्तों ना बहुत ही कॉमन बुक है। कॉमन इन द सेंस बहुत ही यूज्ड किया, जैसे लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी में जैसे बहुत फेमस है, वैसे ही ये बुक दोस्तों बहुत फेमस है। ये मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसका जो लॉ एंड जस्टिस पब्लिशर है, ठीक है, और ये बेयर एक्ट, पूरा एक्ट के ऊपर ये मैंने बुक है। इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें आपको पूरा आर्टिकल्स वगैरह, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 395 पूरा मिलेगा। जैसे कि ये देखो आप, ये पूरा आर्टिकल आपको मिलेगा। इसमें एक एक आर्टिकल दोस्तों इसमें ना अच्छा से डिस्कस्ड किया गया है। तो मुझे लगता है ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप एक एक आर्टिकल को यहाँ पे अच्छा से ना पढ़ सकते हो। मैंने थोरोली डिस्कस किया गया है एक एक आर्टिकल को। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को जाए परचेस करें और पढ़े। अगर आर्टिकल, बेयर एक्ट्स, ये सब के बारे में अगर आपको जानना है, तो ये बुक मेरे लिए नहीं, ये बुक मार्केट में सबसे बेस्ट बुक है। इससे अच्छा बुक कोई है ही नहीं। और अगर आपको इसमें देखिए, विथ 100 लैंडमार्क जजमेंट्स, जजमेंट जितना भी आया है वो सब जजमेंट्स इसमें दिया गया है। तो आप ये बुक ही, मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर आर्टिकल, जजमेंट, ये सब के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप ये बुक चुपचाप जाके आंख मुन करके आप ले। क्योंकि दूसरा बुक अगर आप लेते हो तो मुझे नहीं लगता इस उतना अच्छा होगा। तो ये बुक मेरे लिए, मेरे हिसाब से बहुत लोग यूज करते हैं, तो ये एक बहुत ही कॉमन है। तो ये बुक मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा। तो आप, अगर आप नए हो, आपको नहीं पता कि कौन सा बुक लेना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक जाके आराम से ले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको रिव्यू बुक का अच्छा लगा हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।